हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विश्वेदा। तो हम आ गए हैं होटल सागर, जो कि 1980 से खुला है यहाँ पे। और हम लोगों ने फूड जो है वो ऑर्डर कर दिया है, दावेली ऑर्डर किया है, वड़ा पाव ऑर्डर किया और एक कुछ आइटम सिर्फ आ गई है लाने के लिए। और यहाँ पे ऑलरेडी खा चुकी और इसको बहुत यमी लगा, ज़्यादा यमी है। ऑलरेडी मैंने अपने ब्लॉग में आपको यहाँ का जो है वीडियो दिखाया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो वो जो भी जाकर देखे, मेरे लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसका रिव्यू ये देगी बहुत ज़्यादा टेस्टी। आज तक मैं जो हूँ ये नहीं कभी खाई, बहुत टेस्टी है। दही पूरी आ गया। अभी हम लोग खाते पीते हैं क्योंकि पता नहीं हम लोगों को क्या खाना है, क्या खाना है, तो खाते पीते हैं। बहुत स्पाइसी है। तो ये है होटल सागर, जो कि 1980 से है और यहाँ पे सारे लोग जो है खा रहे हैं। और क्राउड तो बाय गॉड बहुत खतरनाक रहती है, रात के 1 बजे तक जो है यहाँ पे लोग आते हैं। मुझे भी मेरे को हाँ ये बोल रही है कि मुंबई में भी मुंबई में खाए थे वड़ा पाव, ये ज़्यादा अच्छा है वहाँ से। ऐसी मैं तो पहली बार खा रही हूँ। नहीं, पहले दावेली खा वरना ठंडा हो जाएगा। और ये खा रही है दावेली, ये बोल रही है चाट ठंडा हो जाए, सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग खाते हैं। चाट तो मेरा बहुत फेवरेट है। तो इस चाट का इन लोगों ने लिया है 80 रुपीज़। इसका कितना लिया था? 50 राइट। और इसका भी आई थिंक 50 है। तो ये दही पूरी खाती हुई अंकी, ये रही टूटी, अब खाएगी शिल्पा। पहले खा लो तुम, उसके बाद हम खाएंगे। ले ले। हम कुछ भी बोल दिए, वैलिडेट कर दिए किसी को। ऑलरेडी मैं इस शॉप में 4-5 बार तो आ ही चुकी है। मैंने ऑलरेडी 2 बार ब्लॉग बनाया, ये तीसरा बार लग जाएगा ब्लॉग। लेकिन वड़ा पाव जो हम लोग फर्स्ट टाइम इस बार ट्राई किए है, बाकी ये तो हम लोग खाए हुए और भी बहुत कुछ खाया है तो, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी रहा, बहुत यमी है। आप क्राउड से ही पता चला सकते हैं किसी तरह, क्योंकि क्राउड थोड़ी ना हर रोज आएगा। मैं यहाँ का टाइमिंग की बात करूँ तो रात के 1 बजे तक ही खुला रहता हूँ। और आप लॉन्ग ड्राइव करके भी आ सकते हो यहाँ। ओरियन मॉल से 1 किलोमीटर है। मुझे स्ट्रीट फूड पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है। लोकेशन जो लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अगर आप बैंगलोर में स्ट्रीट फूड इतना अच्छा नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो है सारा स्ट्रीट फूड आपको हर जगह का मिल जाएगा, हर एक स्टेट का मिलेगा। जैसे अभी हम लोग मराठी डिश खाए तो ये हाँ ये गली का हुआ ना चाट, तो खिलाओ। और यहाँ का मैंगो शेक जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ लोग यहाँ मैंगो शेक खाने के लिए ये आते हैं। डायली तो मुझे बहुत पसंद है। तो अंकी के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं मदहोश हो गई है। ये चीज़ मुझे भी बहुत पसंद आया था, मैंने ये सबको रिकमेंड किया है ना, बोलो हम रिकमेंड किए। और फिर देख सकते हैं हम लोग को पार्किंग का एरिया जगह नहीं मिला था, हम लोग उधर से जाके पार्किंग करके आए। कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने सारे लोग जो ये होटल सागर आ चुके हैं। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग आ गए होंगे, देख सकते हैं इतना क्राउड देख के। तो अभी हम लोग का गाड़ी जो है उस साइड लगाया है, तो चलिए आपको दिखाएंगे। और लोग जो है हाँ
या अंदर भी जाके खा सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोग अंदर में खाए थे, अंदर उस साइड जाना है, उस साइड नहीं, साइड क्लीनिंग एरिया है इनका। क्या हुआ शिल्पा को तीखा लगा क्या? बताया कि यहाँ का मैंगो शेक फेमस है। तो गाइस हम लोग का खाना पीना हो गया है, अभी हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी लेने के लिए। तो अंकी ने तो यहीं पे पार्क किया था अपना गाड़ी, अंदर है तभी हम लोग जाते हैं। हेलमेट की वजह से मेरा बाल हमेशा खराब हो गया। चम गया तो खाना इतना टेस्टी है कि मन बहुत अच्छा हो गया। हाँ बहुत मज़ा आया, फर्स्ट टाइम मैंने इतना एंजॉय किया। लोग अभी वेट करेंगे, शिल्पा और प्रीति मैं और अंकी जाएंगे, आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग जो है यहाँ पे इंजॉय करते हैं मील। और भीड़ भी आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से ऐसे ऐसे लोग जो है सब कोई बैठ के खड़े होके, देखिए गाड़ी के डिक्की में सब लोग बैठ के, फैमिली लोग आए हैं और खा रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे लोग वही खाने पीने आए, देख सकते हैं कितना ज़्यादा कार्ड लगा हुआ है, उस साइड भी लोग जो है स्टेयर मर्सिडीज में भी आ रहे हैं। हाँ, देखिए सारे लोग जो है कॉर्नर में इस तरह से बैठे हैं, क्योंकि होटल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अंदर वैसे उनका सिटिंग अरेंजमेंट है, बट वैसा मज़ा नहीं आता अंदर में खा के। तो हम लोगों ने जो है अपनी गाड़ी उधर पार्क की है, अब देख सकते हैं लोग सब जो है यहाँ यहाँ तक खड़े हैं। तो अब अंकी जो है लेके आएगी, वहाँ है हमारी गाड़ी, अंकी जा रही है। यहाँ पे भी जो लोग हैं खा रहे हैं, और ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है। तो ये एरिया में हम लोग फर्स्ट बार आए हैं पार्किंग करने के लिए। वेट करती रही और ये गोल घुमा के गाड़ी आ गई। कोई नहीं, मुझे क्या पता चलेगा कि ये उधर गई, मैं सोच रही कितना देर इसको लग क्यों रहा है। हम लोग जा रहे हैं भ्रूम भ्रूम करते हुए मज़ेदार। आप देखो यहाँ यहाँ तक लोग जो है खाने के लिए आए हैं। तो आज हम लोगों ने संडे जो है बहुत अच्छा इंजॉय किया, बहुत मस्ती किया। किस तरह से लोग अभी भी खाने के लिए आए रहे हैं। हम लोग यहाँ से हेलमेट निकालेंगे और निकलेंगे घर की तरफ। तो ये राजकुमार रोड पे पड़ता है, वैसे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो जो है इस होटल का बनाया है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो ये है होटल सागर, मजेदार है बोलो। तो अभी हम लोग जो है शिल्पा और प्रीति का वेट करेंगे, क्योंकि जो है हुर्र से गाड़ी चलाकर आगे आ गई है, और अभी भी बोलो बोल के पीछे ही है, बट दिख नहीं रहे हैं किधर है, देखते हैं। एक बार वो लोग आते हैं तो हम घर के लिए निकलते हैं। तो दे रहे हैं ये दोनों, हम बोली गुड़िया की बोल दिए हैं आगे रहने के लिए। हेलमेट लो, सीट चेंज करो, चेंज कर लो सीट। तो हम लोग सीट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये शिल्पा का गाड़ी है। टिश्यू पेपर था नहीं, और टिश्यू पेपर नहीं था तो सारा हम फोन में लगा दिया। छी छी, मेरा फोन पूरा गंदा कर दी। चलिए गाइस हम लोग निकलते हैं घर के लिए। टोपी देखिए बहुत हाथ लगा था। ठीक है तो टोपी खरीद लेंगे। हाँ पकड़ो, हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं। चलो गाइस को बाय बाय कर दो। बाय बाय गाइस। हाँ